Cigarette smoking is injurious to health. धूम्रपान करना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंबई 40003 भाई बनने का सर्टिफिकेट यहीं से मिलता है। यहां जिंदगी अजीब भी है और गरीब भी। यह मुंबई रात में जागती है और दिन में भागती है। यह एरिया हर बैंक और गवर्नमेंट के लिस्ट में एचआर यानी कि हैवी रिस्क एरिया है। सारे देश के बोल बचन और अंडरवर्ल्ड के छोटे से छोटे कोड यहीं बनते हैं और बिगड़ते हैं।
यहाँ की जबान कोई हिंदी नहीं, भिंडी कहते हैं। ये लैंग्वेज अक्खा दुनिया का डिक्शनरी में है नहीं, पर चलता सब जगह है। जरा जरा सी बात में माँ बहन तो ऐसे निकालते हैं जैसे सामने वाले को दुआ और आशीर्वाद दे रहे हो। यहाँ की आम जनता देश में और मुंबई में गवर्नमेंट बनाती है और गिराती है। यहाँ पर कोई बैंक का एटीएम नहीं है, पर सरकार का वोट बैंक जरूर है। करोड़पति से लेकर रोडपति तक सब यहीं रहते हैं। यहाँ पर रहने वाला एक आम आदमी दिल्ली और दुबई वालों का खास होता है। मुंबई या जबान में इन्हें शाना यानी कि पटेल यानी कि भाई कहते हैं। आप ऐसे ही कुछ शाने लोगों से मिलवाता हूँ। फकीर मोहम्मद खान, दिमाग कम और हाथ ज्यादा चलता है। सब अपन की बात मानते हैं। यहां जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। जिसके हाथों में वजन उसके बातों में वजन। तो क्या है ना, भाई लोग ने दो तीन बार अपने को भी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है, लेकिन अपन ने भाई लोग को भी मना कर दिया, क्योंकि अपन दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। सुलेमान कीड़ा, इसका दिमाग कंप्यूटर से भी फास्ट चलता है। साले को सबके बारे में मालूम, अंदर से लेके बाहर तक सबका पता है इसको। कमीना चलता फिरता आज तक का न्यूज चैनल है। कभी कभी बहुत पकाता है, लेकिन दिल का हीरा है, बातों का शेर है, खाली दम लगाने की देर है। यह छोटू मोबाइल, यह मोबाइल का झोलझाल करता है, लेकिन इसका नाम छोटू मोबाइल नहीं, गोबड़ा मोबाइल होना चाहिए था, यानी कि बिना रिंग टोल वाला, खाली वाइब्रेशन। क्योंकि बचपन से लेके आज तक जितना बात ये बोला है, मेरे को और कीड़े को समझ में ही नहीं आया। जब से चाइना का मोबाइल निकला है ना, इसकी तो चांदी हो गई है। भाई ये लोग को चूतिया बना बना के ये शाना बन गया है। शेरू भाई, भाई लोगों का खास आदमी है, मुंबई का काम यही देखता है, पर पब्लिक की नजर में बिल्डर है। साला मैकेनिक था, मगर आज नसीब की बात है बापू, अपना भी टाइम आएगा। ये है हाजी भाई, सिर्फ नाम का हाजी है। हाज इसलिए किया है के लोग हाजी भाई बोले। वो क्या है ना, भाई लोग को पुलिस आजकल इनकाउंटर में डाल देती है, तो वो नंबर की लाइन का बादशाह है। और ये लाला, एक नंबर का हरामी, पता नहीं कितने लोगों का काम बजाया होगा साला। भाई लोगों का खास शूटर है, लेकिन अपने से गांड फटती है। तो ये सब नमूने अपुन की जिंदगी के खास लोग थे, यानी कि अब उनकी जिंदगी का हिस्सा। आई लव यू टू। चल 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 चल। ए भाई, क्या बोला जा रहा है यार? यो ऐसे अंगार रख ले लियो बाबा। अबे वो छोड़, वो देख क्या बचका ये छोटे। अभी यार तो आगे क्या होगा? चुप करना, बच्ची है वो।
अबे आज का चिल्लर कर का नोट है बस। अबे चिचोरो भैंचोर, पूरे मोहल्ले की माँ बहनों को छेड़ते रहते हो तुम लोग दिन भर साले। क्या भाई छेड़ने दो ना भाई, यही उम्र है ना भाई। तो क्या बुढ़ापे में करेंगे क्या? अबे किला शर्म नहीं आती तेरे को? आती है ना भाई, दिन में दो बार आती है, जाके संडास में निकाल देता है। ए क्या भाई, क्या भाई तुम्हारा मुंह हमेशा सूझा रहता है। हाँ? ए, भाई बाजू की गली में शादी है, एक से रावस माल आने ला भाई, चलो ना। चलना यार, तुम लोग जाओ। ए भाई चलना भाई, चलना भाई, भाई चलना भाई, पॉइंट पे लेके चलना भाई, तेरा मूड भी सही हो जाएगा। सही आ गया भाई, चिचोराबंदी मत करना। लेकिन नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भाई। थाम 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 लोग रुक जा, बोला ना थाम, गाड़ी बंद कर, लाइसेंस काट, बाइगिरी चालू है। अरे क्या बोल रहे हैं, लाइसेंस काट, लाइसेंस। अरे काय का लाइसेंस यार? अरे साहब हम लोग अंदर के छोकरे लोग हैं यार, अभी हम लोग का काय का लाइसेंस और पेपर? ये अब्बास साहब नया आयला है नौकर का। अरे ऐसे कितने साहब आते जाते हैं यार। अरे साहब सुनो ना, अरे सर नहीं है, नहीं है नौकर साहब, छोड़ दो। अरे हाथ लगा ले, चल चल, नाटक लाओ लेते तुम लोग। अरे चक्कर मत लगाओ ना यार, साहब ने जबरदस्ती किया वो काम छोड़ साहब। चल चल गाड़ी छोड़, गाड़ी साहब बोल चल, मैं बड़ी चल यार। मेरा नाम छोटू मोबाइल है, नागपाड़े में रहता हूँ। सुलेमान कीड़ा नागपाड़ा सेम टू सेम अनमैरिड। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। उसको नहीं इसको बोल, वो मेरी है। अबे मेरी तो दीपा बार में है। चल भाव दे तेरी पे। हंस रही है, हंस रही है। तेरी माँ का साले, तुम लोग साले झिझोरो, तुम लोग को जेल में भी मिल जाती है। अल्लाह पाना मिल गया रे। ए भाई, ए करदुल्ला, आंख बंद मुंह खुल्ला कर कुल्ला। कीड़ा छोड़ दे बे, क्या गरीब को परेशान कर रहे हैं। ए भाई देखो ना इसको, मेरे को लगता मामू लोग इसको अपना लड़की देने वाला है। सारा जब देखो इधर से मिलता है। ए सड़ेले भूत, तेरी माँ की आग बचपन से लेके आज तक नहाए नहीं क्या बे? हाँ लगता है तेरे को हेल्पिक से निलाना पड़ेगा। ए चल वटाना बे, ये भड़वे लोग को कोई मिला नहीं होगा ना, तो ये गरीब को उठा के डाल दिया है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो इसको डाल दिया है। और जिनके आगे पीछे होते ना कीड़ा, एक फोन आया तो इन लोगों को भैंचोद कुर्सी छोड़ के भागना पड़ता है। सब पटेल नाम के भैंचोद। ए भाई ये नया आयला है, इसको अपना वसब नहीं मालूम है। ये साला ये लॉकअप है ना, ये अपन जैसे मर्द लोगों के लिए बना है। ये साला ये लोखंडे जैसे हिजड़े के लिए नहीं बना है। ए मामा बोल देना अपने लोखंडे से, साला इधर आने के लिए कांड में दम मांगता है। तेरी माँ क्या क्या कर रहा है? पादरे लेता। बे बस कर बे। कुछ भी कर लेना। फिर अभी यहाँ मालवाल का भी क्या करें, ये तो भूल है। लास्ट टाइम तो अप्पा चाहते तो कवाली वाली सुना है, अभी तो यहाँ पे रात काली है भाई। सच्ची में भाई माल का इंतजाम तो करना पड़ेगा भाई, इसका खून पी लेगा दुल लेगा। हाँ भाई नशा पी लेगा भाई दबाके। ए बाबा थोड़ा सा खून दे दे बाबा, थोड़ा सा फ्रेश खून दे दे बाबा पीने को। साला वेंचो खून भी साला एकदम। तुम लोग दोनों मेरे को घुमाने निकले थे, अभी यहाँ पे लाके फंसा दिला भेंचो मामूलों के चक्कर में। इसलिए बोलता हूँ सुबह सुबह अच्छी शक्ल देख के निकला कर बे, तू कीड़े अपना मुंह देख लिया कर आईने में। तेरी माँ क्या भाई तुम भी यार। फकीर साहिबा ने बोलो ले, चल लवकर कर रे, चल काय झोपला इकड़े चा मायला कायंची भानगडी। Thank you.
क्या साहब बुलाया आपने? देख फकीर, तू मेरी इज्जत करे ना करे, बने वर्दी की इज्जत तेरे को करनी पड़ेगा, समझा क्या? साहब जब भी प्रसाद लेते तभी वर्दी का इज्जत कम नहीं होता। वो क्या है ना, एरिया में अपना बहुत वसब है, आपकी शक्ल देख के मैं गम खा गया, नहीं तो आवाज देता था ना 500 छोकरे जमा हो जाते थे। और लास्ट टाइम सीनियर थे ना, उनसे पूछो, गली में जीप डाला, 5 दिन लगा बाहर निकालने को, समझे क्या? तू इज फकीर है, वो पहले वाले साहब बोले मेरे को। हाँ साहब आप उन्हीं फकीर है, वो क्या है ना, नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचे अपने, सब जानते हैं। और तू सबको है ना, अल्लाह का करम है। चल निकल अभी, निकलता हूं सब। अस्सलामुअलैकुम चीचा। वालेकुम सलाम। एक चाय बनाने बोलो उसको यार। एक बनमस का भी बोलना। सलाम लोग का कोई जिंदगी है, भैंचो जो भी नया साहब आता है उठा के अंदर डाल देता है। गलती उन लोगों की नहीं, गलती हम लोगों की है कि साला कि अपन इधर इस एरिया में पैदा हुआ। जब बच्चे का नाम बर्थ के सर्टिफिकेट में बाद में पुलिस की डायरी में पहले आ जाता है, ए चाय लेके आ जल्दी। बन पाओ भी लेके आना। हेलो, चले गांडो चल जल्दी ऊपर नीचे, कहे तेरा वो भोसड़ी का फकीर बुला अभी उसको। कोई बात मत छोड़ना जब तक मैं बोलूं। ऊपर नीचे ऊपर नीचे करवा रहा। क्या रे चल बेटा, क्या हुआ बे, उठबैठ क्यों करा रे भाई? भाई मुर्गा भाई, क्या रे बच्चों पे रोप झाड़ता है? पटेल मेरे को बोलना बे, मेरे को करा उठ बैठ, तेरी माँ का बड़वा, मेरे को बोलना, बोलना, बोलना बे लाला, ये गांडो जानता नहीं है, आ क्या बे, तेरी माँ किया, गांडो जिधर जाए उधर डाल दूँगा तेरे को, तेरी माँ का शाना चोदू बच्चों का, मालूम नहीं पड़ेगा, गांडो हाथ दूर रख, ये फकीर, तेरी माँ की, बहन का तकला चोदू दूर रख, क्या बे, बहन चो जानता नहीं है मेरे को, चल बड़वे, गांडो, देखे फकीर, चल फकीर, फकीर, फकीर क्या कर रहा है भोसड़ी के, हाँ तेरे बहन का तकला मारो बहन चो सही है भाई, तुमने जो दिए ना भाई बहुत सही किया आपने, वो 4-5 दिन तक उठेगा नहीं। अबे बहुत नाटक है इन लोगों का। अरे नहीं, यहाँ के बच्चों को बहुत लाख बोतल देता है वो भाई, तुमने भी दिया खटाक के। सारे डर गया था क्या तुम? अरे शेर आपने हक्के भाई हक्के। अरे किसका? अरे मेरा दोबारा बोलेगा नहीं। सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ बोल भैया। क्या लाला के कान के नीचे? चल चल भाई के नीचे भी उसको। भाई 500 की पूड़ी मिलेगी क्या? क्या वे पैसे ही मांगते रहता है। अरे पैसे पैसे को मांग रहे थे। अरे चुप बैठना, लाके दे देना पैसा यार। ये देना मेरे को कल, पैसा नहीं मेरे पास। अरे ज्यादा दूंगा भाई, चल निकल। अरे लाके दे दे माल तो दे। लो ना भाई, ये लो। चल चल चल, खुदा हाफिज़ भाई। ओ
ओजीपी से एकदम पेटी पैक, ये समझ ले बाबी को मेरी तरफ से तोहफा दिया। छोटू भैया आपका नाम बहुत सुना है, जैसे ही हम इस मार्केट में आए हमने पूछा कि सबसे ईमानदार आदमी कौन है, तो सबने आपका नाम बताया है। भाई कसम खुदा की एकदम लावस भी दे लेना, तू गाँव लेके जाएगा ना तो वहाँ की पब्लिक 10-15-20 और मंगाएगी। अरे यहाँ की पब्लिक छोटू मोबाइल नाम मेरा ऐसे थोड़ी लग गया। वो सब तो ठीक है, अपन मोबाइल का कोई गारंटी वारंटी है का? चल जाने दे मेरे भाई, तेरे बस की बात नहीं है, चल वटा वटा वट वट। मेरे को एक बात बता, आजकल आदमी की गारंटी है क्या? नहीं नहीं, कब टपक जाए पता नहीं चलता, ये तो मोबाइल है बात करता है। भले भड़कते काहे को, हम तो ये पूछ रहे थे कि कहाँ जाके खराब हो गया। तो देख मेरे भाई, तू भीम भाई मैं इसलिए बोलता हूँ, हमारा नाम गणेश है। अरे किस बात है मेरे भाई, भीम से महाभारत आता है, मदद करने वाले तो भाई हुए ना। एक बेवकूफ बनाऊंगा क्या? देखिए दो नंबर का माल है, 20,000 की चीज देखो 10,000 में दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, समझो नहीं जुड़ेंगे तेरा स्टार्ट में फंसा जाएगी, उसके बाद समझ ले तू। अभी फोन में कैमरा है, रेडियो और क्या चाहिए तेरे को? भाई नाराज मत हो हमसे, हम लेते हैं ना मोबाइल आपसे। वो मिश्रा जी का मोबाइल था, वो भी पेटी पैक था, वो गाँव जाके खराब हो गया। लेना है तो बोल, नहीं तो तूने अपना टाइम खोटी कर ना मेरा टाइम खोटी कर। भाई पैसे तो है जेब में, लेने के लिए तो आए हैं, तो निकाल ना मेरे भाई। भाई पूरे एरिया में नाम है मेरा भाई, वहाँ अभी मैंने इंतजार कर लिया खाला चार मोबाइल के लिए। अब आप कह रहे तो लेंगे ना? नहीं मेरा मूड खराब हो गया था। भाई जल्दी करना भाई, अरे मेहनत की कमाई ऐसे कैसे दे दे भाई, अपना मोबाइल पे मेहनत कर भाई। हाँ हाँ, अरे कहीं ऊपर नीचे हो गया। अच्छा ठीक है निकाल निकाल निकाल। हाँ ये लो पूरे, हम ले जाए भाई। हाँ लेके जा मोबाइल, जरा खराब हुआ तो हम आपके पास आएंगे भाई जी। होगा आवाज ना मेरे को? हाँ जरूर जरूर जरूर। चीचा ठीक है, अभी अपना अगला पिछला सब क्लियर। काय का अगला पिछला, ये तो आधा ही नहीं है। आप पूरा दूंगा ना आपको। पूरा कब देगा? जब चाचा का होटल बंद हो जाएगा तब। अरे कसम खुदा की आपका होटल बंद करवाऊंगा कि मैं। तेरी हरकतें तो ऐसी ही लग रही। अरे आपके पूरा दे देना, कृपया हम यहाँ बैठ सकते हैं? चले सड़े ले उधर बैठ। हाँ बाबा बैठना। अरे भाई भाभी से मिलाओ ना यार कभी यार प्लीज। भाई एकदम से गैला माल है ये भी तो। नल्ला है। नल्ला नल्ला का है? नल्ला बोले तो तेरी माता। रहने दो ना भाई, कितने का लिया? पूरे 10,000 के लिए है। क्या अबे 10 में तो गांडू 10 आएगा बे। दिखा दिखा दिखा, वो देख इसको ठंडी लगाया था ना वो आ गया। ये लोग अमीर बनने देंगे ने। और भैया क्या कर रहे हैं? ये टोपा पहना दिया है, नल्ला मोबाइल है। छोटू देख भी टोपा पहना दिया इसको। अरे क्यों बच्चे की फिल्म बना रहे ला? अबे क्या बच्चे की जान लेगा क्या? अबे भैया तेरी फिल्म बना रहे ला, अब तो ओजीपी से देख। हाँ असली असली है, असली है, अभी तो बोला असली नहीं है। अरे भैया गांडू बोला ना असली है। भाई इसका तोड़ा देखो भाई, तेरी पिक्चर बना रहा था भाई, सच में भाई तेरी तेरी कसम भाई, एकदम रावस माल है भाई सच में। अरे टेंशन लेने का नहीं पागल, किसके लिए लिया तू ये? अपनी औरत के लिए लिए है। औरत के लिए लिया तू? बाबा तेरी तो निकल पड़ी बाबा, अभी देख तेरे को भाभी कैसा उठा उठा के देंगी, कैसा उठा उठा के। उठता क्या? उठता उठता भाई, जैसे भाभी को देगा ना तेरी रात रंगीन है बाबा। चले चल अभी ओरिजिनल निकल, अभी चल। हाँ भाई निकल भाई निकल। ए डब्बा लेके जा तेरा। धन्यवाद छोटू भाई, तेरी माँ का चाइना का चोर मारो। चल माल मंगा, चल 10 का टोपा पिला डाला बेचारे भैया को, वो भी 10 का। देखे चीचा चाइना का चोर 10 का टोपा पिला डाला बेचारे भैया गरीब को। पैसा दिया ना घुमा के साला, दो दिन उठेगा नहीं। सही बोल रहे भाई, भाई बन गया ये। भाई का पाना आ गया खिड़की। अरे भाई तू मैंने देखा कैसे बोल देता भाई का पाना आ गया। ए बेटा मैं तो उड़ती चिड़िया देख के समझ जाता हूँ कि लेडीज है कि जेंट्स है। बहुत सिंपल है,
अभी फकीर भाई जैसी अचानक में भयानक वाला पोज मारता है ना, अपन एकदम समझ जाता है। आके चाय बोलू भाभी, अपनी भाभी के लिए क्या चाहिए? भाभी से पूछो ना चाय लाऊं क्या? गांधी वापस दे, चल माल चाहिए ना? हां भाई जाने का। ए भाई 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 बटर चिकन खिलाएगा ना? हां बटर टू बटर टू। भाई शुरू मत हो जाना भाभी। भाई हमारी तो भाभी है भाई, हम तो बोलेंगे भाई, हम तो बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई। भाई खुदा हाफिज़ तो बोल। मुंबई की गटरे सुधर जाएगी तो मैं भी सुधर जाऊंगा। अब तू बोलेगी तो तेरे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जा। तू हमेशा लफड़े झगड़े की बात क्यों करता रहता है? तुझे घर में कोई कुछ बोलता नहीं है? अबे घर पे जाऊंगा तो कोई कुछ बोलेगा ना। जब घर पे जाता हूँ तो सब सोते रहते। घर है कि होटल? बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? सोने जाता हूँ। शर्म आती है लेकिन चली जाती है। अब तेरे बिना मैं घर पे क्या करूँ बोल। तू घर पे आएगी ना अक्का दिन घर पे रहूंगा। जब तक तू लात मार के नहीं निकालेगी ना मैं नहीं जाऊंगा। अब तो एक देना। क्या पागल है तू? तेरे लिए तो पागल हूं। अखी नाके की लड़कियां मरती है मेरे पे, किसी को देखता भी नहीं हूं, समझी ना? ये तेरे जितने भी ना खानवान सलमान शाहरुख सब सब फेल है फकीर के सामने। लाल करना बंद कर, चुप। समझी क्या? अपुन रियल हीरो है। उन लोग तो पर्दे पे फाइट करते हैं। देखती है ना मेरे को, मर गए तो माफ, गई तो 15-20 साफ। गुंडा। एक पप्पी तो देना। चुप। पप्पी मांगू तो गुंडा। साला पाना गिरी करते करते पाना ही नहीं पलटे ला। मेरे ख्याल से अपन लोग गुड़ बन जाए क्या? हाँ? गुड आइडिया यार। I love you too. चल सोच के भी उल्टी हो रही मेरे मेरे को भी आई। अबे हाथ किस काम आएगा अपना? हाथ गल चाहे। अबे बात बोलना लेकिन धनचंद कितना घिन आता है ना साला। पीला उठ जाना पड़ेगा भाई रात में। मत बोल यार साला, सोच के भी कुछ हो रहा है यार मेरे यार। प्लीज मत बोल यार भाई। चिचोरे। तेरी माँ का कीड़ा तेरी बहन का बोबड़ा। सलाम सलाम।
हमारी भाभी को सलाम कहा था या नहीं? बोला ना, उसने बोला तुम लोग को वालेकुम सलाम। भाभी जी का सलाम, I love you। दिल खुश कर दिया भाभी जी ने। भाई यार एक बात समझ नहीं आती मेरे को, तुम कैसे ये आइटम लोग को पटा लेता है? अपन तो सारा दिन छेड़ता है, साला कोई पटते च नहीं अपन लोग से। अबे आइटम लोग छिछोरापंदी करने से नहीं पटती बे। ए मेरे भाई, हम लोग छिछोरे नहीं है, रात दिन मेहनत करके लड़कियों को छेड़ते रहते। अगर हम लोग नहीं छेड़ेंगे ना तो लड़के आईने में पूछ पूछ के बुढ़ी हो जाएगी कि मैं कैसी लगती हूँ। और चौथे दिन आईना खेत के चमाट मारेगा कि चल बेइज्जत काय को बोर कर रही है। ए भाई ए भाई ए भाई, ये अपन लोग जो उनके भाव बढ़ाते हैं और साला बाहर का छोकरा आके भगा कर लेके जाता है और फिर अपन अपने हाथ से काम चलाता है। देख देख, हाथ की लकीर भी मिट गई है मेरी, और शैम्पू भी खत्म हो गया। अबे साबुन शैम्पू सड़े ले, लड़कियां ऐसे नहीं बचती बे। वो मालूम है वो क्या नाम है तेरे हीरो का? जॉन अब्राहम। नहीं 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 भाई, जॉन अब्राहम नहीं है, जॉन अब रहम। अबे रहम बिपाशा बे बे, अब तुम लोग मेरी बात सुनो। देखो लड़कियां कैसे पटती है, छुछोरापंती बंद करो बे। लड़कियों को शाने लड़के पसंद है एकदम भाई, समझा क्या? मैं बनूंगा भाई, एरिया का भाई। ला भाई। मैं भी बनूंगा भाई छोटे। तेरी माँ का बेच इसकी माँ। ए भाई 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 भाई, आज फिर मेरे चाचा ने मेरे ईमानदार और गरीब बाप को सताया। बचपन से लेके आज तक उसने इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। ईमानदार होने की सजा इसको मिलेगी ये मेरे को मालूम था, लेकिन अपनी फैमिली से मिलेगी ये नहीं मालूम था। मेरे को ये भी नहीं मालूम कि मेरे बाप ने मेरे चाचा का क्या बिगाड़ा, पर यह जरूर मालूम है कि मेरे चाचा का बहुत कुछ बिगड़ेगा। आज मैं उसके कान के नीचे तबला बजाऊंगा और उसको बताऊंगा कि हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है और काट लेता है। वो देखो ठीक से दबाओ, वहां ध्यान कहाँ है? अरे मेरी जान, तुम बोलो ऐसा करूंगा मैं। खाके कुछ नहीं करने वाले, ऐसे ही बैठोगे? अरे थोड़ा सा देखने भी देखो, खाके चर्बी चढ़ गई है। वो देखो सीन देखो। ए, क्या है? ए, तेरी माँ का भलवा। ए, चल चल। मेरा आदमी को हाथ लगा। दिमाग खराब हो गया तेरा? अच्छा इसमें से बोला ना मैं तुमको? बहुत खराब हो गया तू। इसमें से डिया तू। ए, पहाड़ का हो तेरी माँ का गांडू चोदू। तेरी माँ का पहाड़ का। ए, चल निकल तू। ए, हाथ किसे लगाता है रे? मेरे बाप को परेशान किया तू। ए, चल चल। तू आने में पैसे। तू पालन में क्या कुछ खिलाती है ना? मेरे को सब मालूम है। मोहल्ले के बच्चे लोग का पहाड़ का हाथ नहीं उठाने का। तू इसे आना बता दो मैं तेरे को। चुप कर। तू निकल। बीच में चढ़ जा। तू क्या मारेगा मेरे? इसे आना हाथ नहीं उठाने का। तेरी माँ का पहाड़ का। ये पकी। काय लाओ यार। खाली पकड़ कर हमारे घर पे आ गया है। जा। चल चल साहब ने बुलाया, चल मच्छा नहीं कह रहे तेरे को, चलना। अरे साहब मेरे बाप को परेशान करता है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल भागा, छोड़ूंगा नहीं। चलना बोला ना फड़वे। ए साहब छोड़ो ना, चल। पहले बोला इज्जत से आने को नहीं हो रहा था तेरे को। चल साहब बच्चे लोग देख रहे हैं यार। चल बोला ना तेरे को साहब। वो मामू अपने को जबरदस्ती उठा के लाया, बोलता जमा कर डालेगा। क्या किया मैं? अरे वो मामू का गलती नहीं है रे, वो तेरा चाचा है ना, बहुत हरामी है साला। क्या है, अपन को दो कैट देके गया इधर, बोला तो उसको मारता है सताता है, और क्या वसूली वसूली का धंधा भी शुरू किया तूने ना। इसकी माँ का झूठा मारो, उसकी गांड पे मैंने हथौड़ा नहीं मारा ना रस्ते के बीच में, तो मैं दो बाप का झूठ बोल रहा है साला। अभी क्या करेगा? देख क्या है ना कि ये कंप्लेन आता है तो हम लोग को भी एक्शन लेना पड़ता है, समझा क्या? कह रहे हो छोड़, तू बहुत लोग को जानता है ना इधर, हाँ मुंबई के अंदर ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। क्या फायदे का कुछ मिलता है तेरे को? मैं तेरे को एक डील देता है, ऐसा डील ना बिग बाजार में भी नहीं मिलता है, समझा क्या? तू अपन को खबर दे, बदले में रोकड़ा ले ले, क्या बोलता है? अच्छा को सुअर का गोश्त खिलाओगे साहब? हराम है, और मैं कोई खबरी वबरी बनने वाला नहीं हूं, समझे क्या? तूने पढ़ा नहीं ठीक सरे, उसमें लिखा है कि अगर जान बचाने के लिए थोड़ा सा खाएगा तो चलता है, किसी से भी पूछ।
नहीं तो दो तीन और कंप्लेंट आया ना, ऊपर से एनकाउंटर का ऑर्डर आ जाएगा, समझा क्या? फिर तू तो जाएगा ही, तेरे साथ वो तेरे दो छपरी दोस्त भी जाएंगे, मर्जी तेरा है। उन लोग का क्या? उन लोग ने तो कुछ भी नहीं किया साहब। हाँ कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या है ना, ये बड़ा साहब लोग जो है ना, छोटा मोटा क्रिमिनल को झेलता नहीं जाता थे, खर्चा बहुत आता रहे। और एक बार डायरी बन गया ना, उसके बाद इस एरिया में कोई भी अगर उगाही का न्यूज आया, उठा के तेरे को अंदर डाल देंगे, उन लोग को भी। फिर तीनों घिसते रहना अपनी कोर्ट में बैठे। अल्लाह, सोच, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। क्या बात कर रहा है? उस दिन तो तू बोला मैं फकीर मोहम्मद मुंबई में नीचे से ऊपर तक सबको जानता हूं, अभी फुस। वो ऐसे ही बोल दिया साहब मैं। ऐसे नहीं बोला तू, सोच। फकीर, डायरी बनाने में मेरे को एक मिनट लगेगा, समझा क्या? अभी बोलना भारी पड़ जाता है अभी। अल्लाह, किधर फंसा दिया है मेरे को यार। टेबल पे कैट रखी, उठा और निकल ले इधर से। साहब, ये काम मैं एक ही शर्त पे करेगा। बोलना। पैसे के लिए नहीं, मेरे को वो हरामी फाड़का मेरे चाचा की बजाने की। बजा बजा, आज से तेरे को जिसकी बजाने की उसकी बजा। लेकिन बोल गया, कानून का हाथ फकीर मोहम्मद के साथ। साले औरत की भाड़ खाने वाले, तू है तेरी जिंदगी बेबे। जो आदमी साले तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, उसको बोलता है साले तू। फुटपाथ पे जा साले मादर चोत। अबे चूतिये, तुझे मालूम है तेरी बीवी लोखंड वाले के ब्यूटी पार्लर पे जाकर क्या करती है? बता इसको। ओ चाचा, अरे बीवी की कमाई खाने वाले, तेरे को पता है हमारी सुंदर चाची कितनों के साथ छोई है? मत बक बक, तेरी माँ के मेरे बाप के सामने भी देख लिया ना तूने, तो तेरी जान ले लूंगा मैं तेरी। और है ना, आज के बाद तू जहाँ भी दिखेगा ना मेरे को एरिया में, तो तेरे को वहीं मारूंगा मैं, समझा ना? और बता देना पुलिस को तूने मेरे से पंगा लिया है। हाँ साला, चार दिन की जिंदगी है, उसमें भी हजारों झमेले। साला कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई, जो भी आता लात मार के निकल जाता, और हम लोग चूते की तरह भोगते रहते हैं। क्या उगाड़ेगा तू? अबे एक बोरी की दुकान देखे लो, वो भाड़े में चलाऊंगा और चाइना का मोबाइल बेचूंगा। मस्त आइडिया बाबा। अबे नाम भी सोच लिया हूँ। क्या? छोटू मोबाइल। अच्छा, लेकिन अपुन क्या मुड़ी में मार खा जाते ना, जो अपुन के पास है नहीं। एक बात बोलूं तेरे को बेटा, सबसे बढ़िया धंधा है पॉलिटिक्स का भाई, बिना मुड़ी का, एक पैसा नहीं लगाने का, करोड़ों कमाने का, डायरेक्ट चेकपॉट है। साला मैं तो पॉलिटिक्स का धंधा करेगा बस। ओ भाई, ओ फकीर भाई, तुमने क्या सोचा? अपने को दुबई जाके टैक्सी चलाने का। ए, ए भाई, दुबई जाके टैक्सी, पागल हो गया क्या? अबे पागल नहीं बे। अरे मेरे भाई, यही टैक्सी चलाना। अबे एरिया में अपना वसा बे, पब्लिक डरती है अपने से। मेरे बाप की हालत देख, यहाँ पे टैक्सी चला के क्या मिला अखा जिंदगी, कुछ भी नहीं बे, भगंदर। और ऐसे भी ये साला एरिया में और ये देश में अपने जैसे देशभक्त की कोई इज्जत नहीं है बे। दुबई जाना है, दुबई जाके टैक्सी चलाना है, अपनी जिंदगी बसाना है।
कम से कम एसी तो टैक्सी होगी बे। भाई तू सच में जाना चाहता क्या? तेरी जान की कसम, अगर वीजा का झोल हो जाओ ना, कल सुबह ही निकल जाऊं। अरे समझो भाई, हो गए ना भाई, अरे अपना मामू है ना, वो एजेंट तो है भाई, दुबई सबको बेचते रहते। अरे तो बोल, बच्चन काहे को दे रहा है? भाई का काम नहीं कराएंगा तो किसका कराएंगा? कराना। अरे कर दिया ना मेरे भाई, जबान दे भाई, निकल पड़ी तेरी। बहुत बहुत शुक्रिया बोबड़े भाई। अरे नहीं यार। अरे शुक्रिया काहे का भाई, असल में क्या तेरे दिल की बात ना अभी समझ में आई। मेरे को तो नींद भी ना आने लगी भाई। भाई माल खत्म। अबे तू बनाना बे, खत्म कैसे हो गया बे? भाई माल लाओ ना। चलो अठारह करो भाई, बस हो गया। अरे नहीं नहीं यार भाई, थोड़ा मेरे को तो। अबे छबी कर बे, टाइम क्या हो रहा है? टाइम को मार गोली यार, घड़ी तो बंद है ना, तेरे को मालूम है ना, फिर भी बेंचो मजाक उड़ाता है। अबे अजान होएगी मेरा बाप उठ जाएगा बे, चल। हाँ क्या करे? हाँ ऐसे ही उसका खून इतना जलता है, अभी मैं भी जलाऊंगा तो हो गया भाई। चल उसके उठने से पहले सो जाऊंगा, कम से कम मेरे को देख के नमाज पढ़ने तो जाएगा भाई। चल ला मेरा गंजी, लाए भाई। हाँ भाई ले लो भाई। चल भाई चल भाई चल भाई चल। या अल्लाह भाई, तेल बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है। ओ चिचा, इसके अंदर कीमा पाव में तेल तो देखो यार, उसको बोलो तेल कम डाले यार। पहले कहीं कीमा पाव खाया क्या? तेरे बदन में चर्बी बहुत चढ़ गया ला है। ये एरिया में बिना चर्बी के कोई रह सकता है क्या? समझा रे कीड़ा। जबान भी बहुत लंबा हो गया ला है। हाँ जबान के साथ साथ वो भी बहुत लंबा है। ए बंटाई, ए बंटाई, देखो दुबई का चेक ढूंढे ला है। बोलता है मैं फकीर की टैक्सी में बैठूंगा भाई, इसकी तो निकल पड़ी। क्या घंटा निकल पड़ी। कुछ भी बोलता है बे। बापू की बात ना, 50 दुबई के वीजा ले, तेरे को बुला ले। क्या क्या बात कर रहे ले? अबे सच में बोल रहा बे। भाई सच में तेरी निकल पड़ी भाई। चल भाई अपना सपना है दुबई जाके टैक्सी चलाने का। चल 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 बे। चिचा बिल उधारी में, सॉरी। ले भाई साले कुछ कर दिया, ले लो बोबड़ी घोड़ी की। फकीर भाई, ओ फकीर भाई, चलो साहब ने बुलाया। भाई काहे को बुला इन लोग ने? मेरे को क्या मालूम बे, फ्री बैठा होगा लोखंडे, बुला लिया, टाइम पास करेगा अभी। 4 8 3 2 4 पादा क्या है? मैं पादा है? मैं तेरी माँ की आंख। सुबह सुबह गुखा क्या है क्या बे? भजिया खाया सुबह, मस्त गु बन गया। हट तेरी माँ की। इंदा पत्ता बे। ओ कंट्रोल नहीं होता। साला पदोड़ा। फकीर साहिबा ने बोलो ले। चल इसको ले जाओ साथ में, अगर कोई आरोपी कुछ बोल रहा नहीं है तो आज बोल देगा माँ की कसम, इसकी माँ का पदोड़ा। आ फकीर बैठ बैठ। खाना बिना खाया कि नहीं? खाया ना साहब, एरिया से उठा के लाए ले सबके सामने, और 2 घंटे से बाहर बिठा के रखा है। तुम तो बोले थे जमा नहीं करेंगे, पुलिस परेशान नहीं करेगी, ये सब क्या करेगा? ऊपर से ऑर्डर है। अरे साहब क्या हम लोग कोई आतंकवादी है क्या? अरे मैंने कभी बोला ऐसा? हाँ मैंने आजकल खबर नहीं देता ना तू? हाँ वो जो पैसे दिए थे ना मैंने तेरे को गवर्नमेंट के, वो ईदी के नहीं थे? वो पैसा सिर्फ नेता लोग पचा सकते हैं, समझा क्या? तेरे जैसा आम आदमी खाएगा ना उसको बाल्टी भर भर के जुलाब होता, वो भी खूनी। चल खबर बोल जल्दी से, बहुत प्रेशर है ऊपर से। लेकिन साहब खबर होना भी तो मांगता ना, जब भी होगा तो मैं दूंगा ना। तेरे को बाहर जाने का है? हाँ साहब कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है ना। वो लाला मालूम है क्या? चोर बाजार वाला। वो पटेल, वो भाई लोग का शूटर है। क्या बात कर रहा है? इधर लिखा है मैं चूतिया है? हाँ
आए सवड़िया साला, ये बात ये गली के कुत्ते तक को मालूम है, तू मेरे को अभी बता रहा है? देख तेरे को बाहर जाने का है तो कोई ऐसी खबर दे जो हमको नहीं मालूम। आप लोग को ये बात मालूम है कि लाला के पास झाड़ू है और बच्चे भी है? आप लोग को ये बात मालूम है कि लाला ने वो माल किधर छुपा के रखा है? ए फकीर, अभी तड़पा मत आ, देख तू तो मेरा बच्चा है, बोल डालना। अरे बच्चा बच्चा बोल के गांड मार रहे ले साहब, मैं सुना था पुलिस वाले डाकू होते, आज देख भी लिया साहब। देख लिया ना? मैंने सुना था पुलिस वाले किसी के नहीं होते, आज देख भी लिया। अगर मैं आज इसे खबर नहीं देता तो शायद मुझे ये जाने नहीं देता। जिसकी मैंने खबर दी है वो आदमी तो गलत है, लेकिन मैंने सही किया या नहीं ये नहीं पता। और इन लोगों को बोलो इज्जत है उधर मेरा वसब है। ए क्या देला? छोटू मोबाइल? जी हाँ छोटू मोबाइल। हाय, आई एम लुकिंग फॉर एप्पल। एप्पल? एप्पल का फुल बाजार मिलेगा? नो नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, एप्पल आईफोन, दैट्स द बेस्ट फोन अवेलेबल इन द मार्केट। डू यू हैव इट? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, काम अच्छा चल रहा है। इट्स अ फोन, व्हाट काम फोन? एप्पल आईफोन, डू यू हैव इट? यस यस यस। नो नो, इट्स अ फोन व्हिच हैज गॉट 3GS, 3G फोन विद LED स्क्रीन। डू यू हैव इट? यस, मैं समझ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। Are you insane? Not yes. Do you have it or not? I want to buy it. Show it to me. Show it to me. Huh? Show it to me. मैं समझ रहा हूँ. Show it to me. I want an Apple iPhone. Do you have it? भाई साहब, आप जो भी बोल रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा. आपकी अम्मी क्या अमेरिका की है क्या? No. Daddy? He's also an Indian. तो भाई साहब हिंदी में बोलो ना. बंटा आईफोन चाहिए यार, कब से बोल रहा है यार? बोलना मेरे भाई, तू भी इज्जत की माँ भी नहीं कर रहा, अच्छा होगा देखा नहीं, पहले एप्पल तेरा। थैंक यू भाई। हेलो नल्ला ना यार। ए मेरे भाई नल्ला अमेरिकन, चल निकल चल निकल चल। नहीं नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा मत कर, चाहिए मेरे को। दिमाग खराब कर रहा है, 20,000 की चीज़ 6,000 में दे रहा, और क्या चाहिए? चल दोबारा कोई जरूरत होगी तो बोलना मेरे भाई, इंशाल्लाह फिर मिलते। चल तेरी माँ क्या अंग्रेजी की माँ मैंने कर रहा था। क्या हाल है छोटू? सलाम अलैकुम हाजी साहब। सब ठीक ठाक है जी। अरे क्या पब्लिक को चूतिया बना रहा छोटे छोटे कामों में? कुछ भी नहीं भाईजान, मेरे साथ काम करेगा बड़ा काम है, चिड़ी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अरे भाईजान नहीं की और पूछ पूछ। हेलो
अबे खाली बोल वचन करते रहता भाई ये फकीर ये कैसा है फकीर? ठीक है सर। सब लोग बहुत खुश है तेरे से, मान गया तेरे को। चले साहब, ये काम मैं पैसे के लिए नहीं किया। तो फिर क्या तेरे को उसका थोपड़ा पसंद नहीं था? ऐसा ही समझो, बड़वा था सारा। बच्चा है तो अपना रख ले, प्यार से दे रहा, समझा क्या? चल रहे तो मेरे भाई तू जीरो डाल बन गया। लाला की टिप तूने दी ना? देख भाई लोग, आपन वॉइस किया जो अपने को ठीक लगा। इसका मतलब हम लोग भी जीरो डाल बन जाए? और पब्लिक को पता चल गया तो? अबे पब्लिक की माँ की आंख पे, जब हम लोग जमा होते तो क्या है, पब्लिक छुड़ाने आती है, पब्लिक खिलाती है हमको। देख मेरे भाई, ये मगजमारी छोड़, इसमें जान को खतरा भी है। जान का खतरा किसमें नहीं है बे? अरे भाई, अगर कोई और ठोक दिया तो? ठोक दिया तो ठोक दिया बे। अगर मैं ये नहीं किया ना, मामू लोग का टिफिन नहीं बनाना, तो इन लोग तुमको भी डाल देते और मेरे को भी डाल देते। अभी देख मेरे चाचा को कैसा ठस के बैठेला है गांडू। तो इसका मतलब टिपर बन जाने का? भाई ये कोई रास्ता तो नहीं है? यही रास्ता है मेरे भाई, यही रास्ता इन लोगों की बचाने का। ए भाई, जब बोल रहे ना तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। मामू लोग अपने साथ में है ना, तो नोट भी अपने पास, और अपन लोग किसी की भी बचा सकते हैं। किसी की भी? किसी की भी बचा सकते हैं भाई? क्या बात है भाई, आज तो बड़े मुस्कुरा रहे हो। छोटे, पार्टी अपने काम से बहुत खुश है, और इस बार अपने को इलेक्शन लड़ने के लिए भी बोला है। लड़ने का ना भाई, बिंदास हो के लड़ने का, अपन सामने वाले की माँ भी नहीं कर देगा भाई। अबे चूतिए, इलेक्शन लड़ने का है, कुश्ती नहीं समझा क्या? क्या भाई, इलेक्शन हो या कुश्ती हो, आप क्या कभी किसी चीज में हारे लो क्या? नहीं ना। अबे चूतिए, तू तेरी आइटम की लेने से पहले कैसे बातों से पटाता है फिर उसकी लेता है ना, वैसे ही भाई वो पब्लिक को पहले बातों में पटाने का, बोतल में उतारने का, फिर उनके लेने का। रे ये भाई, बात में तो पॉइंट है, लेकिन ये बात तो आप उनके भेजे में इतनी घुसी। तो एक काम करते ना भाई, पब्लिक को कोपचे में ले जाकर समझाते ना। अबे ये पब्लिक है, समझा क्या? सुन, अपनों को ऐसा पंटर चाहिए ना जो पब्लिक को बोतल में उतारे, अपने पास लेके आए। है ना भाई, अपुन के पास ऐसा ही चेक शूटर है। कौन? सलाम अलैकुम भाई, सुलेमान कीड़ा नाम है मेरा भाई। वालेकुम सलाम सुलेमान। अबे ये तो अपना घर का ही बच्चा है बे। हाँ भाई। हाँ? देख सुलेमान, पब्लिक ने तेरे बहुत तारीफ किया, बोले कि इलेक्शन कमीशन की बुक पूरी हिप्स है, बोले तो बाय हार्ट। सही बोले ले भाई। भाई मेरे लिए कुछ काम? सुलेमान, तेरे को मेरे इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करनी है, समझा क्या? क्योंकि इलेक्शन बिलेक्शन के बारे में अपना घंटा कुछ नहीं मालूम क्या? मैं करेंगे ना भाई, भाई मैं आग लगा दूंगा भाई। ए आग नहीं लगाने का, कैंपेनिंग करने का, समझा क्या? वो बोलने का वही मतलब था भाई। हे छोटे, पत्ते लेके आ रहे वहां से, देख पत्ती वत्ते की फुल बारिश हो जाएगी क्या? या हम क्राउड चाहिए अपने को, या हम पब्लिक जमा होना चाहिए, पहली बार इलेक्शन है क्या? पैसा काहे को भाई, लेकिन भाई मैं वो चाबी है जो हर ताले को खोल देती है भाई, मैं पब्लिक को ऐसा इकट्ठा करेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। साला मैं मुंबई को तड़ी देता है और तू मेरे को इस तड़ी दे रहा है? हां भाई, सामान दे रहा भाई, अपन पे भरोसा रखो भाई। भाई भाई मैं आपके लिए, आप देखना भाई, मैं ऐसा इलेक्शन लड़ेगा ना, ऐसा करेगा ना आपके लिए भाई, कि आप भी बोलेंगे कीड़ा भाई तुम भी खुशी है। Oh,
शेरू भाई जिंदाबाद, शेरू भाई जिंदाबाद, शेरू भाई जिंदाबाद। बस 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 चचा बैठो ना, दो मिनट बैठो ना यार। देखो भाई, भाषण वाषण देना अपने को आता नहीं, अपने दिल का एक छोटा सा बात है तुम लोग को बताने का, बस खत्म। देखो क्या है कि ये जो नेता लोग रहते हैं ना, ये साले चिल्लाते बहुत हैं, चलाते कम है। अपने को चिल्लाने वाला नहीं चलाने वाला नेता मंगता है। कौन सा नेता मंगता है? चलाने वाला। चलाने वाला। अभी अभी कितना 60 साल तो हो गए अपने देश को आजाद होके, लेकिन साला अभी भी डेवलपिंग कंट्री, साला अभी भी डेवलपिंग कंट्री। देश का सारा नेता लोग डेवलप हो गए लेकिन अपना देश अभी भी डेवलपिंग कंट्री। अरे गरीब की जेब में पैसा हो या ना हो, पर नेता लोग का कुत्ता बिल्ली के नाम पे भी स्विस बैंक में पैसा रखे ले। और ये बात अभी वो बाबा कंफर्म किए ले, वो बाबा, वो रामदेव बाबा, अभी वो योगा मास्टर कंफर्म किए ले। अमीर और अमीर हो रहे ले, गरीब और गरीब हो रहे ले। साला 60 साल से
हर इलेक्शन में साला अपने को एक ही बात सुनने को मिलता है, क्या? कि तुम सबको 24 घंटे बिजली मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, सड़क मिलेगा, गार्डन मिलेगा। मिला क्या? क्या मिला? बाबा जी का घंटा। साला भाई 24 घंटे चोरी का बिजली, गटर का गंदा पानी, ऐसा पानी जिसको पी के गटर के कीड़े भी बीमार पड़ जावे, ऐसा पानी। और सड़क तो सिर्फ पिक्चर में देखने का, बस। अल्लाह की कसम, बचपन से लेकर जवानी तक गली के अंदर या गली के नाके पर क्रिकेट खेले ले। गार्डन है, गार्डन है, पर उसमें अमीर लोगों के कुत्तों को संडास कराने के लिए है। हपुन जैसे गरीब लोग का तो उधर एंट्री भी नहीं है। उधर वॉचमैन क्या बोलता है? गो गो। क्या? देखो भाई, आज अपन लोग के बीच में एक ऐसा आदमी जो जो अपना है, अपने बीच में पला है, अपने बीच में बड़ा हुआ है, ऐसा आदमी। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, इन रिश्वतखोरों से लड़ने के लिए अपने को एक शेर चाहिए, शेर। और वो शेर है शेरू भाई। शेरू भाई, शेरू भाई से अच्छा ऑप्शन अपने को कोई नहीं मिलेगा। तो शेरू भाई अंगार है, बाकी सब अंगार है। शेरू भाई अंगार है, बाकी सब अंगार है। शेरू भाई अंगार है, बाकी सब अंगार है। अभी शेरू भाई आपके सामने कुछ बोलेगा। शेरू भाई, शेरू भाई, शेरू भाई। को मालूम है ना मेरे को बोलना बोलना कुछ आता नहीं। क्या बोलूं शेरू भाई? आप मैं क्या बोलूं भाई? कुछ तो बोलो आप। ठीक ठीक है, मैं करता हूं कुछ। अरे मैं ताली ताई को बजाने लगा, तुमको मालूम? अरे पहली बार ऐसा नेता देख रहे ला है जिसको माइक मिल रहा है, स्टेज मिल रहा है, जिसको पब्लिक मिल रहा है, पर वो क्या बोल रहा है? मैं पहले काम करके दिखाएंगा, मैं फिर बोलेगा। मैं बोलने वाला नहीं, मैं करने वाला नेता है। अभी पब्लिक की डिमांड पर मैं शेरू भाई से बोलेगा एक, सिर्फ एक 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 बात बोलो, कुछ भी बोलो भाई। पब्लिक बहुत डिमांड कर रही है भाई, बोलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाले 25 तारीख को बंदूक के आगे उंगली रख कर अपन को 5 साल के लिए उंगली करने का। क्या? ताकि आप लोगों को कोई 5 साल तक उंगली ना कर सके। सुलेमान भाई, वोट फॉर सुलेमान भाई, वोट फॉर सुलेमान भाई। अबे भाई नहीं क्या कीड़ा? अबे क्या हुआ, लॉटरी लग गई क्या कीड़े? भाई भाई आज मैं शेरू भाई का राइट हैंड बन गया। तो आज से तू मेरा राइट हैंड नहीं है, शेरू भाई का राइट हैंड है। भाई तुम भाई सच में भाई मेरे जैसे गुनेगार पे आज खुदा मेहरबान हो गया। ऐसा नहीं है, पागल है क्या तू? आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, आज सच में। तो फिर भाई मेरे को चरस पीने का, वो भी एक नंबर। भाई चल मेरे साथ, पहला सबसे पहला कैरी मार लेंगे, एक नंबर का। हाँ भाई, ये बात है ना, अभी कांडो अपन बोलेंगे। अभी एक बात सुन, अभी अपन बोलेंगे चिलम चिलम तेरे लाखो इलम, चिलम चिलम तेरे लाखो इलम, चिलम चिलम तेरे लाखो इलम, चिलम चिलम तेरे लाखो इलम। तोड़ दे बोतल, छोड़ दे पीना, फेंक दे सारी रम,
हर बात पते की मैं कहता हूँ सुन मेरे हमदम, तू मार जरा एकदम फिर मिट जाएंगे गम। चिलम चिलम तेरे लाखों इलम, चिलम चिलम तेरे लाखों इलम, चिलम चिलम तेरे लाखों इलम, चिलम चिलम तेरे लाखों इलम। जो बात है चरस में नहीं है शराब में, आधी है दम लगाने से मस्ती शबाब में। जो बात है चरस में नहीं है शराब में, आधी है दम लगाने से मस्ती शबाब में। अरे में शैंपेन में विस्की में ना रम में है, अरे में शैंपेन में विस्की में ना रम में है, पर असली जिंदगी का मजा तो जिलम में है, जिलम में है रे बाबा जिलम में है, जिलम में है। दम 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 लगा दम मार ले दम पे दम। लड़ते हैं ये शराबी तो हर घड़ी, और जर्सियों में फूटना हर किस पड़ी ना पड़ी। कंदी कटर में लगती है भट्टी शराब की, और साफ़रान बन के चरस खेत में उगी। चिलम तेरे लाखों इलम, चिलम चिलम तेरे लाखों इलम, चिलम चिलम तेरे लाखों इलम। दम 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 लगा दम लगा दम। भाई मेरी सुनने रहा तू मांग सिगरेट भाई। झूठ बोली ना मेरे से तू? ए तेरी माँ की हाँ? क्या बोली भाई तू मेरे से? हाँ बुरके में बंदर नचाती है तेरी माँ की, बार में डांस करती है ना तू, बोलना क्या झूठ बोली मैं? तेरी माँ की। ए भागती किधर है? ए ए तेरी माँ की है, चूतिया समझा क्या फकीर को? ए किधर हाथ तो तेरे मोहल्ले में। ए आज तो मजनू अपनी लेले की माँ बहने कर डालेगा। बंद कर तेरा ऑल इंडिया रेडियो फैन चौथ। मेरे पे काय का गुस्सा होता रहा बे? हाँ आ देख मेरी बर्बादी का तमाशा। अल्लाह ने जबान दिया तो चलाने का, हाथ दिया तो चलाने का, और आता क्या तुझको? तूने मेरे को बताया नहीं कि तू बाहर में काम करती? अरे बार में काम करती है, फिल्मों में नहीं काम करती जो बताती फिरू। समझता क्यों नहीं हो तू? ए समझा मत, समझा मत। अबे किसी का बर्तन मान लेती बे, हाँ काम वाली बाई बन जाती। तुझे क्या लगता है मैं हमेशा से बार में काम करना चाहती थी? ऑफिस में काम किया, बॉस बोला सोना पड़ेगा तो क्या सो जाती उसके साथ? सेल्स गर्ल का काम किया, दरवाजे दरवाजे गई सामान बेचने को, लोगों को सामान में कम और इस सामान में ज्यादा इंटरेस्ट था। बोल बच्चा सो रहा है।
उसके बाद घर में कामवाली बाई का भी काम किया। घर की मालकिन बाहर क्या गई, घर का मालिक बोलता है खाने के साथ बिस्तर भी गर्म करना पड़ेगा। करती क्या मैं बोलना? तो मेरे को क्यों नहीं बताया बे? मर गया था मैं? हाँ? तुझे बोलती तो तू भी शायद वैसे ही चाहता जैसे बाकी मर जाते थे। तेरे को मैं इतना कमीना लगता हूँ बे? जब से समझदार हुई हूँ ना फकीर, तब से सबने इज्जत पे हाथ ही डाला है, किसी ने हाथों को नहीं थामा। और वैसे अगर मैं तुझे बता भी देती तो तू क्या उखाड़ लेता? दिन भर तो तू लुखागिरी करता फिरता है। अरे मैं बार में वेट्रेस का काम करती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, किसी का बिस्तर नहीं गर्म करती, समझा? बड़ा है मुझे समझाने वाला। जिस तरह से जितनी हिम्मत से तूने मुझे नीचे चमाट मारा है ना, उतनी हिम्मत से मेरे हाथों को थाम के दिखाना, तब मैं तुझे मानू। बोल ना, बोल, चुप क्यों है? अबे तेरे को क्या लगता है, हाथ थाम के दिखा? हाथ थामना कोई इजी काम है? हाँ अभी तुझ बोली ना लुखागिरी करता फिरता, क्या है मेरे पास में जो तेरा हाथ थामू? तुझे क्या लगता है, तू लेगा इसकी जिम्मेदारी? तू लेगा मेरी जिम्मेदारी? लेना, मैं छोड़ देती हूँ ना नौकरी। हाँ अब बोलना। छोड़ना बे? अरे ये बोलना, तेरी गांड में दम ही नहीं है। तेरी माँ की आँख, ये बच्चा नहीं होता ना। तू बंदा खराब, तेरी गांड में कितनी दम है। हट। फकीर, फकीर। दवाई ले ले। मेरा पैसा इसको जमता नहीं था ना, ईमानदारी से अक्का सिद्ध की टैक्सी चलाया। अच्छा आदमी था ना, चला गया कीड़ा, मेरा बाप चला गया। इंसान की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती। मेरा बाप तो चला गया लेकिन मुझे ईमानदारी सिखा गया, मेरे बेईमानी के पैसों की दवाई नहीं खाई और अपनी जान दे दी। लेकिन मैं वादा करता कि आज के बाद जो भी निवाला खाऊंगा वो हक का खाऊंगा और अपनी फैमिली को भी हक का ही खिलाऊंगा। एक बात का अफसोस रहेगा कि मैं अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया, बस अल्लाह मुझे इसके लिए माफ कर दे।
एक बात तो मानता हूं लाले कि अल्लाह ताला अच्छे दोस्त किस्मत वालों को देता है और फकीर मोहम्मद तकदीर वाला है लाले फकीर मोहम्मद तकदीर वाला है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये सड़ेली दुनिया में तूने मेरे को ये दो दोस्तों दिए बेटा मुझे माफ कर दे बेटा गलती हो गई बेटा माफ कर दे बेटा फकीर माफी मांगनी है तो उससे मांग जो ऊपर जाके बैठा है मैं अक्का फैमिली को लेके दुबई जा रहा हूँ घर भी तेरा हुआ और सब तेरा हुआ नहीं बेटा ऐसा मत बोल बेटा उंगलियां पकड़ के चलाई है तुझे मैंने गोद में खिलाया है तुझे बेटा आगे कंधे पे गधे की तरह गले के लिए दौड़ा हूँ मैं पतंगे लौट के लाई मैंने तेरे लिए बेटा वही मैं तेरा चाचा हूँ ये रोने धोने का ड्रामा मत कर ऐसा मत बोल बेटा आज के बाद मैं और मेरे दोस्त लोग तेरी फिल्म नहीं बनाएंगे अभी चल के दिखा नहीं बेटा मैं तेरी चाची के बहकावे में छोटू इसको जाने बोल चाचा छोटू चन्ना चाचा क्या सड़ेली जिंदगी है बे साला कीचड़ में पैदा हो गए और यहां पे जिंदगी से लड़ते लड़ते साला फाइटर बन गए घंटे का फाइटर मैदान छोड़ के जा रहा तू भाई मुंबई छोड़ के जा रहा तू हम लोग को छोड़ के जा रहा समझ में आ रहा तेरे को ए भाई भूल गया क्या भाई साला एक थाली में खाया भाई मज्जा ना वाह बचपन से लेके जवानी कैसा आ गया कैसा टाइम बीत गया पता ही नहीं चला क्या करें मैं दुबई जाके अरे मत जाना यार सारे गम और खुशियों को जाना सा हम दोस्त मिलके उठाते अब तू चले जाएगा तो किसके सहारे जी पाएंगे हम मत जा यार तू देख भाई भाई कुछ हो रहा है मेरे को छाती में कुछ यार देख कुछ कुछ सांस नहीं आ रहा है मेरे को भाई भाई कसम खुदा की तू जा रहा ना ये सोच के घबराहट सी हो रही ए छोड़ना इसकी मिन्नत मत कर जा भाई तू जा जा तू जा हाँ लोकंडे साहब आ रहा हूं क्या कर ले तू हाँ ए भाई ये मामू लोग किसी के नहीं होते
मालूम है ये भड़वे किसी के नहीं होते। ये अपन का आखिरी टिप है, उसके बाद अपन मुंबई छोड़ के जा रहे लाए। उसके बाद मैं देखता हूं ये मामू लोग मेरा क्या उखाड़ लेते। अरे साहब, इसको काय को मार रहे ले? घोड़ा है ये, बावन पत्ते का जोकर है, किसी काम का नहीं है। मैं देता हूं ना कारीगर, चले चले चल। तुम भी साहब किसी को भी मारते रहते, गरीब को। कह रहे फकीर, सुना दुबई जा रहा है, सही है क्या? हाँ साहब, अभी अब्बा का भी इंतकाल हो गया है, एरिया में भी कुछ नहीं बचा, घर में भी दिल नहीं लगता, और इधर मेरे को कोई नौकरी धंधा भी नहीं देगा। क्यों, हम लोग जो पैसे देते हो कम है क्या? हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कोई धंधा करने का तेरे को? वो बात नहीं है साहब, मेरा बचपन से सपना है दुबई जाके टैक्सी चलाने का। जाने दो साहब। ठीक है, अभी तूने फैसला ले लिया तो जा, लेकिन जाते जाते एक टिप दे के जा। क्या है ना कि मुंबई पुलिस बिना खबरी लोगों के चलती नहीं है, इसीलिए साला हम लोग नंबर दो पे है दुनिया में। यह आखिरी टिप है, उसके बाद परेशान मत करना। चल बोल। खबरों की खबर बन गया था, ऐसा लगता था मुंबई पुलिस मेरे बिना जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाई। लेकिन ये बात का मुझे नहीं पता था कि मेरी चिंगारी मेरा ही घर जलाना नहीं। कहते हैं ना, इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है, लेकिन मेरा बुरा वक्त ऐसे आएगा मुझे नहीं पता था। कहा बाबा? ये देख, गांधी जी मर गए, अंग्रेज छोड़ गए। मां तूने क्या खाया था इसके टाइम पे? कोई अंग्रेजी पिक्चर विक्चर देखी थी क्या? लेके गया था ना तेरा अब्बा पिक्चर दिखाने को, और वहां जाके पता चला अंग्रेजी पिक्चर है। टाटनिक, टाटनिक। और ये आया। माल है क्या? माल वाल क्या, कोई माल वाल नहीं है, मैं थोड़ी ना माल पीता है। देना भाई को, तूने पप्पू चिलम से क्या माल वाल पीते हुए देखा है? बताऊं क्या, तेरी पोल खोलूं क्या? तू नुक्कड़ पे क्या क्या करता है? क्या बोलेगा मेरी पोल, टंकी में पीता नहीं तू माल? ए शाने, तेरे को ना ये मामू लोग मेरे वजह से कुछ बोलते नहीं है बे, नहीं तो ये छोटी सी गांड पे इतने डंडे मारेंगे ना चलने को भी नहीं होएगा। क्या बोलते बे इसको? पोस पोस पोस। ये व्हाइट बिल्डिंग की जो बच्ची लोग है ना, छोटी छोटी 16-17 साल की बच्ची लोग को चरस पिलाता है। अरे भाई मैं कुछ नहीं करता है। बोलना अभी, चल वाट। अरे माँ, मैं इसीलिए इस घर में नहीं आता है। बोल, वचन मत दे। अभी मैं सच्ची में देखा उसको, टाकी पे कई बार पीता माल वो। पानी दे। अपना छोटू किधर है रे? छोटू नहीं दिख रहा। और किधर होएगा अम्मी, किधर झोल झाल कर रहे होएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, किसी भैया को चूतिया बना रहे होएगा, किधर होएगा? अरे कुछ भी मत बोलो यार तुम लोग, ऐसा थोड़े ना है, अच्छा सेल्समैन है वो। छोटू सेल्समैन। अरे अम्मा एक नंबर का झोलू है, एक नंबर का। अभी क्या है ना अम्मा, कि चाइना का माल ओरिजिनल बोल के पहना देते हैं पब्लिक को। बहुत बड़ा झोला है, बहुत बड़ा झोला, टोपी पहनाते सबको। तू सोच भी नहीं सकती माँ। अम्मी क्या बोल रही है? सेल्समैन, ए छोटू, मिस्टर छोटू सेल्समैन। अम्मी मजा आ गया, छोटू सेल्समैन, उसको बोलेगा मैं अम्मी तेरे को सेल्समैन बोली। चल कीड़ा, अम्मी मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ फकीर? साहब छोटू को जमा कर डाले ले यार, छोड़ो यार उसको। अबे 5 करोड़ के माल के साथ तरंगे हाथों पकड़ा है, हलवा है क्या? साहब आप भी जानते हैं और पूरा एरिया जानता है, वो माल छोटू का नहीं है, उसका खाली नाम है साहब, हाजी का माल है, उसको अंदर डालो ना। ए कानून सबूत मांगता है मालूम है तेरे को, और ये जो अजय है ना, अपना 2 नंबर का पूरा माल छोटू के नाम से उतारता है। साला पैसे के लिए कुछ भी करते हो तुम लोग। ये काम मैं पैसे के लिए नहीं किया साहब। हे साहब, भाई कितना कुछ करता है आपके लिए, खुश तो करो साहब। ए
तेरे भाई के लिए मैं क्या करता है मालूम है तेरे को? अरे साहब अभी बुरा टाइम आ गया, आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? अबे चुप ना कीड़ा यार। अरे चुप, मैं बात कर रहा हूँ ना यार। साहब छोड़ो ना यार। देख फकीर, मैं तेरे को बोला ना ये केस मेरे हाथ में नहीं है, अभी बड़ा साहब लोग कॉन्फ्रेंस करने वाला है और तू कल आके अपना 10% लेके जा। यहाँ मेरे दोस्त की जान खतरे में, मैं उसको छुड़ाने की बात कर रहा हूँ और आप मुझे घू खाने की बात कर रहे हो? ज्यादा शाना मत बन, समझा क्या? हाँ चल निकल इधर से, चल कीड़ा। चल सीट के साहब, इतना गर्म खाए को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। वो छोटू जमा हो गया ना? तो मैं क्या करूं, छोटू जमा हो गया भाई। मैं क्या करूं क्या, तुम्हारे माल के साथ जमा हो गया, छुड़वाओ ना भाई उसको। असली वाले, मेरे माल की टिप भी तूने ही दी थी। अल्लाह का शुक्र मना कि मैंने तेरा गेम अभी तक नहीं बजाया। अबे मेरा गेम तू क्या बजाएगा बे चिंदी चोर? तुम्हारी माँ की चोर, तुम्हारी माँ की चोर। ये आजे बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। छोटू को कुछ आना, माना छोटू को कुछ आना। तुम लोग सब की माना माना बे बच्ची के मालूम है छोटू जमा हो गया, 10 शेयर के माल के साथ था ना? नहीं नहीं भाई, कुछ गलत फहमी हो गई ली आपको। वो इंस्पेक्टर लोखंडे अपन लोग को बोला 5 करोड़ का माल है। अबे साले तुम लोग है ना अभी अंडे के अंदर हो, समझा ना? 10 शेयर का माल था, 5 शेयर पुलिस वाले ने आपस में वनटास कर लिया, मालूम तेरे को? भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई, माल तो 5 कोके का था भाई, सबको मालूम है भाई। तुम्हारे तो ऊंचे ऊंचे चचे भाई। कीड़ा बोलना भाई को। भाई कुछ करो ना भाई, भाई आप ही कुछ कर सकते हो भाई। वो लड़का बहुत सीधा है। मैं आटू जाटू पुलिस वाले को फोन नहीं करता, समझा ना? कोई सीएम बीएम को फोन करने का तो बोलने का, ये छोटे मोटे काम के लिए अपन को घसीटने का नहीं क्या? ए भाई सुनो ना भाई, छोटू बहुत सीधा लड़का है भाई, वो बाकी लोग उसको फंसा डाले। मालूम है मेरे को छोटू का टिप किसने दिया है। अभी तो आप कुछ करो ना भाई। भाई भाई गलती हो गया भाई, मेरे को तो हाजी की बजाने का था। उसके गाड़ में भी बहुत चर्बी है भाई, अभी बहुत हो गया ना भाई। भाई सुनो ना भाई, आप कर सकते हो, करो ना अभी, छोड़ो ना भाई पिछली सब बात को। अरे लौड़े लोग, तुम लोग को अभी भाई याद आ रहे क्या रे? हाँ भाई, हाथ छोड़ रहे आपके आगे, उसको बचा लो भाई से, खाली पीटी मर जाएगा वो। बोलो ना आसिफ भाई। चल ठीक है, कुछ करता हूं मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चल अभी वट जाओ। थैंक यू की माँ की गाड़ में चर्बी कम नहीं है। अल्लाह हाफिज भाई। क्या रे लोखंडे, यार शूटर पकड़ा गया, लग गए 5 साल की।
मुसाफिर खाने में 1 करोड़ का 2 नंबर का माल पकड़ा गया। अबे चूतिया हो गया क्या? ए चूरन दे रहा हूँ क्या? क्या लिख के लाइज के ऊपर? पढ़ पढ़ इसको। इसकी माँ की आंख, इसका मतलब 9 करोड़ का माल हजम। सही है बाप, बड़ा लंबा गेम खेले ला है। हा? हाँ सही बोल रहा भाई। क्या सोच रहा? कुछ नहीं साहब। साहब माल मेरे को कम लग रहा है। कम बोले तो? मैं तो 10,000 का माल पकड़ा था और 10,000 का 10% ज्यादा होता है साहब। अबे जितना दे रहा हूँ खुशी से रख ले, अपनी जेब से दूँ क्या मैं? साहब मेरे को मेरा पूरा पैसा मांगता है। मेरा नाम फकीर है लेकिन मैं भीख नहीं लेता हूँ। ज्यादा शाना मत बन, जो तेरा है वो रख ले चुपचाप। वैसे भी तुम लोग सारा शेरू भाई के पास जाके मेरे गेम का वाट लगा दिया, नहीं तो डायरेक्ट प्रमोशन था ACP, मालूम है तेरे को? तेरे को बोला ना ये पैसा रख, तेरी जान को खतरा है, अंडरग्राउंड हो जा। मालूम है मेरे को मेरी जान को खतरा है? आप जैसे पुलिस वाले के लिए जो काम किया ना, अखा एरिया का टिप दर डाला। सलाह आज मेरे को पिला उसकी छिना से ज्यादा गंदा फील हो रहा है। जिसको एक का बोल के ले जाते 5 लोग यूज करते। रखो साहब, फकीर से पाला पड़ा है। मेरा बाप हमेशा बोलता था पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, लेकिन लोखंडे ना मेरा दोस्त था ना दुश्मन, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज मैं अपनी नजरों में भी गिर गया और अपने दोस्तों की भी। अब तक तो नाम का फकीर था, अब साला लकीर का फकीर हो गया। क्या हुआ, इतना चुप चुप क्यों है? कुछ नहीं बोलना भाई। साला साला जिसको देखो साला इस्तेमाल करके छोड़ देता है भाई। इसको हाजी ने इस्तेमाल किया, मेरे को शेरू कर रहा है। साला तुमको पुलिस ने टिपर बनाकर छोड़ डाले है। साली जिंदगी रुमाल हो गई ली। जिसका मन करता है अपनी नाक पोंछ के अपनी जेब में डाल देता है। भाई मैं सोच डाले ला भी, अभी मैं जो करेगा अपने लिए करेगा, किसी मदर चौथ के लिए नहीं करेगा। हक है मेरे भाई, भाई ये जो भी बोला ना सब ना अपनी जबान बोला। भाई मैं भी ना हाजी के जितने भी कस्टमर है ना सबको टाई करके अपना धंधा शुरू करूंगा। दुकान भी देख लिया मैंने, अब तो दुकान भी इधर बनेगी और हाजी की कब्र भी। भाई शेरू MLA का इलेक्शन लड़ने वाला है, उसका कॉर्पोरेटर का सीट खाली होने वाला है। अपन सोच लिया है उस सीट से अपन लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई अब वो लड़ेगा। और अब उन साला मुंबई छोड़ के जा रहे, दिल भर गया है बे। अभी नहीं रहने का इस एरिया में।
क्या सुन रहा हूं मैं? तू मेरी जगह पे इलेक्शन लड़ रहा है? भाई अपने को अपने लिए कुछ करने का है। मैं तेरे लिए कुछ नहीं करता क्या? उससे ज्यादा लिए भी क्या लिया बे? मेरा टैलेंट, दिमाग, सब कुछ भाई। नाके पे बैठ के अट्टेबाजी करता था तू, पूरा दिन टपोरी के जैसे घूमता था तू। यही तो बदलने का भाई, लोग मुझे मेरी वजह से जाने, ना कि आपकी वजह से। तू मेरे आगे सर उठाएगा? आपने भी तो कभी किसी के सामने सर उठाया होगा ना भाई। देख मेरे जगह पे मेरा छोटा भाई ही इलेक्शन लड़ेगा, उसके बीच में जो भी आएगा ना वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो आप क्या आबे हयात भी क्या है क्या भाई? इंसान और वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, उसी तरह मेरे दोनों सड़ेले दोस्तों की जिंदगी भी अच्छी बनती जा रही थी और उनकी जिंदगी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। छोटू ने अपनी मोबाइल की दुकान खोल ली और कीड़ा ने अपनी नेतागिरी की दुकान, और ये दोनों की दुकान जोर शोर से चल रही थी। कहते हैं ना अल्लाह जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और इन्हें देख के मैं खुश था। कैसे चर्ची लोग, कैसा चल रहा तुम्हारा दम और दुकान? फर्स्ट क्लास, पीरे ले जीरे ले नाम ले रे अल्लाह का। गरीब सका जी धुएं पानी जी राजी, चिलम झांसी रंडियों को जेल और भड़वों को फांसी। भाई मैं जा रहा हूँ दुबई, अभी दुबई जाने का, उसके बाद अंगार मुतने का और शोले हगने का इंशाल्लाह। यार इसलिए दुबई जा रहे अचानक में भयानक। अपना तो ऐसा ही चेक, कब आए कब गए किसको मालूम। चल अच्छा है, तू जाकर सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बस हर महीने हम लोग के लिए दो तीन एल्बम भेज दिया कर। मैं इसकी माँ का चिचोरा चुदू, वो ये गाने में बवासीर है और इसके मुंह में बवासीर है। ए कुछ भी बोल रहा है, बोरन की तो औकात नहीं अर्बन की बात करता है। देख तो चुप है, अंग्रेजों को लाऊंगा मैं इसका ना बवासीर। चल छोड़ बे सब, छोड़ तेरा कैसा चल रहा है? एकदम टिप टॉप। और नेताजी की बकचोदी कैसी चल रही है? चल रही चल रही, बस अल्लाह का करम है भाई। भाई सच्ची मजाक नहीं कर रहा भाई, इस बार भाई की सीट पक्की है भाई। भाई वो शेरू भाई है ना, उसके भाई की जमानत जब्त एकदम कंफर्म है भाई। अबे उन लोग का क्या है बे, बाप अधिकारी बेटे भिखारी, उन लोग का ये चलता है भेंच चोर लोग का। भाई देखिए तुम लोगों ना दोनों मेरी जान हो, इसलिए तुम लोग को बता रहा हूं मैं जा रहा हूं दुबई जाने ना भाई। बहुत बहुत याद आएगी तुम्हारी भाई, मर जाएंगे हम लोग भाई। सच में बहुत याद है यहाँ के ढोंग दतुरे, ये सब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता बे। ये कोई जिंदगी है बे? ये कोई जिंदगी है बे कीड़ा? इसकी माँ का वो भेंचो लोखंडे आता है, ए फकीर इधर आ, वो जागा हुआ आता है, ए फकीर इधर आ। ये कोई जिंदगी है बे? उन लोग के लिए हमको छोड़ के जाएगा तू? ए भाई ऐसा मत करना भाई, इतने सहे थे हम लोग साथ पले ले, अभी तुम। अबे तू जानता है बे तेरा भाई कभी रोता नहीं है बे, लेकिन अभी है ना इसकी माँ की आके अंदर नहीं होता है बर्दाश्त बे। मैं टीपर हूँ बे,
मैं कोई टीपर हूं अब मैं पठान का बच्चा हूं गांडू इनकी माँ की आग टीपर बना के रख डाले ला मेरे को भाई बैठ चल आई लव यू तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा तू यार बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा भोसड़ी के एक किशोर कुमार और एक रफीक तुम दोनों मेरी जान हो बे सारे मेरे को जाना नहीं है लेकिन है ना जाना पड़ेगा बंटा क्योंकि अभी बस हो गया हाँ कीड़ा अरे भोसड़ी के सुधर जा जिंदगी में सीरियस हो जा नहीं तो साला दुबई में मेरे को फोन आएगा बोले छोटू को डाल दिया किसी ने मेरे को वो नहीं चाहिए फिर इधर आना पड़ेगा तेरा बदला लेना पड़ेगा गांडू पठान से दोस्ती की तूने इधर भाई भाई तेरे पीछे पीछे हम लोग भी दुबई आ जाएंगे चल बे उधर क्या करेगा तू इधर तेरा काम है गांडू बोरियो को छेड़ेगा कौन बे भाई 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 चल भाई मजे करेंगे माल वाल लेते हैं पीते हैं भाई बाबा से गिरे गिरे तेरी माँ का बोड़ा मारो ले चल बे दोनों जल्दी चल शाहरुख खान चलना तू लेट हो गया ना तो शेख एयरपोर्ट से भगा देगा तेरे को अबे बोबड़े क्या सुबह सुबह शाहरुख खान चलना बे तैयार होने दे पहली बार जा रहा हूँ बोलना कीड़ा इसको यार ए, सही बोल रहा है भाई अपना भाई पहली बार जा रहे एकदम सच्चावा लगना मांगता है भाई अच्छा भाई वो जो फ्लाइट में आती है वो क्या बोलते हैं उनको किसका पास रहा अबे एयरहोस्टेस बे एक्सक्यूज मी जूस कोका कोला भाई वो ऐसा भी बोलती है कि माल भी ले लो माल इसको माल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है बे तेरी माँ का वहाँ जाने के बाद माल वाल सब बंद उधर हाथ वात काट डालते बाबा चिलम पीने वालों के तेरी कसम रात झिंगड़ा पियेंगे एयरपोर्ट जाएंगे दुबई आयला तू काय करो रे लिए पहली बार तू अपने से इतना दूर जा रहा है मैं रोएगी नहीं क्या अरे अम्मी काय को बोल बच्चन दे रहे लिए अपने वगीर भाई की उतनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो अंदर हो गया ला दुबई जा रहे ना तो रो रहे अंदर रोड इतनी बार गया तो एक भी बार नहीं रोया अंदर रोड की बात मत कर वो नजीक है और वहाँ तो मद लोग ही जाते हैं तो क्या दुबई में हिजड़े जाते हैं दाऊद भाई सुनेंगे तो डाल देंगे अभी तो बहुत सुंदर लग रहे लिए मेरा बच्चा पहली बार मुझसे इतनी दूर जा रहे भगवान इनकी रिक्शा करेंगे अरे रक्षा रे रक्षा क्या रक्षा रक्षा मेरी माँ मेरी बात सुन मैं जाने के बाद बुलवा लूंगा ए सड़े ले चरस वरस पीना नहीं और अम्मी का ध्यान देना समझा क्या देख लेना इसको नहीं तो ये दोनों है मेरे शूटर लोग समझ जाना फिर रो मत आओ भाई हाँ बेटा तू भी ध्यान रखा माँ का ध्यान देने का चल तुम लोग मेरे को वहाँ पे मिलोगे अरब के बंगले के पास ठीक है तुम लोग निकलो अभी मैं आया भाई आया तो बंगले में ए तुम लोग छिछोरे साले तुम्हारी माँ की माँ तो ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम है ठीक है Ooh.
अब इससे ज्यादा क्या सबूत हूं मैं अभी तुझे अपने पाक दामन का? अपुन हमेशा के लिए दुबई जा रहे हैं। अपुन तो खाली तेरे को बोल रहे हैं कि अपुन जा रहे हैं। ख्याल रख अपना, ठीक है? पासपोर्ट है क्या? दुबई चलेगी क्या? बोलना। पर मैं अपने भाई को छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मेरे को मालूम है तेरा चिल्लर तेरे साथ में जाएगा। उसका पासपोर्ट है क्या? नहीं। ठीक है फिर, मैं कीड़ा को और उसको बोलता हूं बनाने के लिए। एक महीने के अंदर तू मेरे पास दुबई। शादी करेगी अपुन से? अभी अपुन लुक्खागिरी नहीं करता है। अभी दुबई में टैक्सी चलाऊंगा और तेरे को हक की कमाई खिलाऊंगा। चलता हूँ मैं फिर। हाँ बोला चला, माफ करना भाई। हाँ हाँ भाई। अरे भाई ये ले, अभी जा रहा हूँ मैं। हाँ अपना ध्यान रखा, अल्लाह चल संभाल के जाना भाई। सलाम वालेकुम। सलाम। जा रहे हूँ बाबा मैं दुबई। हाँ ठीक है भाई, अभी वहाँ बजिए बजिए तो मिलेंगे नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी सेट हो के लिए भाई, है कि नहीं बंटा? अल्लाह हाफिज़। भाई टैक्सी आ गई भाई। भाई आओ ना भाई। आ रहा ओ मेरी जान भाई, दिल घबरा रहा है बंटा। क्या भाई, जा रहे भाई छोड़ के यार, क्या है दुआ में याद। चल भाई, भाई तू वही से आइटम लाएगा ना। चल 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 बैठो भाई, बैठो। चल चल भाई, ये हटना पहले मैं जाता हूं। ना जल्दी बैठ बैठ बैठ, आराम से आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर खबरी की टिकट सिर्फ ऊपर की होती है, दुबई की नहीं। जो जैसा करता है वैसा भरता है। यहां सपने देखने का हक सबको है, पर पूरे नसीब वालों के ही होते हैं। अल्लाह अच्छे दोस्त भी किस्मत वालों को ही देता है। ये दोनों नमूने जिए भी साथ और मरे भी साथ। ये थी मुंबई नंबर 3 में रहने वाले एक आम आदमी की कहानी।
तू मेरी इज्जत करे ना करे, मेरे वर्दी की इज्जत तेरे को करना पड़ेगा। मैं सुना था पुलिस वाले डाकू होते, आज देख भी लिया साहब। रखो साहब, फकीर से पाला पड़ा है। हाँ साहब, आप उनिश फकीर है। पागल है तू। तेरे लिए तो पागल हूं। लफड़े चक्कर की बात क्यों करता रहता है? तेरे को मैं इतना कमीना लगता हूं? मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 साफ। हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है और काट लेता है। भाई बनने का सर्टिफिकेट यहीं से मिलता है। मर गए तो माफ, नहीं तो 15-20 साफ। भाई बनने का सर्टिफिकेट यहीं से मिलता है। भाई बनने का सर्टिफिकेट यहीं से मिलता है। ऐसा डील ना बिग बाजार में भी नहीं मिलता है, समझा क्या? ये पगे तुम्हारी छोड़, इसमें जान का खतरा भी है। जान का खतरा किसमें नहीं है बे? अरे भाई, अगर कोई और ठोक दिया तो? ठोक दिया तो ठोक दिया बे। तू अपन को खबर दे, बदले में रोकड़ा ले ले। पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मन। कि मुंबई पुलिस बिना खबरी लोगों के चलती नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचे अपने, सब जानते हैं। कानून का हाथ फकीर मोहम्मद के साथ। ये कोई रास्ता तो नहीं है? यही रास्ता है मेरे भाई, यही रास्ता इन लोगों की बात जाने का। देख, तेरे को बाहर जाने का है तो कोई ऐसी खबर दे जो हमको नहीं मालूम। ये काम मैं एक ही छत पे करेगा। इधर लिखा मैं, अगर मैं ये नहीं किया ना तो लोग तुमको भी डाल देते और मेरे को भी डाल देते। मैं सुना था पुलिस वाले डाकू होते, आज देख भी लिया साहब। सदा देता हूँ रो रो के दुखे दिल की, सदा सुन ले सिवा तेरे सुनेगा कौन, तू मेरी दुआ सुन ले। रखो साहब, फकीर से पाला पड़ा है।